हेलो दोस्तों, आई एम आर्गो। वेलकम टू आवर चैनल आर्गो गेमिंग आईटी। तो दोस्तों, आज हम आ गए और एक नए धमाकेदार वीडियो के साथ, जो कि होने वाला है वन टैप हेडशॉट के बारे में एंड वन टैप हेडशॉट कैसे मार सकते हो आप लोग, इसके बारे में 5 टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा। और गेम प्ले इंजॉय कीजिए, और जो फ्रेंड नए आए हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास वाले बेल आइकन को दबा दीजिए और ऑल पे सेट करिए, इससे हमारा नया नया वीडियो आपके पास पहुँच सके। और वीडियो को थोड़ा भी अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना और अपने फ्रेंड के भी शेयर कर देना। थैंक यू ब्रो। और लास्ट में जाके तो 5 टिप्स देने वाला हूँ इस वन टैप हेडशॉट के बारे में, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिए। थैंक यू। So I'll be there. Never leaving you in the darkness. Even when you're out of focus, I will be the light in your life. You'll see it clear. I'll be your inspiration, 'cause I know that you'll do just what you're told. I'll be your heart and temptation, shining, 'cause I know that you'll make it on your own.
अभी मैं आप लोगों को अंतर हेडशॉट मारने के कुछ तरीके बताने वाला हूँ। टिप्स नंबर वन, दोस्तों आपका सेटिंग का जो सेंसिटिविटी है, मतलब जनरल का रेड डॉट, 2x स्कोप, 4x स्कोप, AWM स्कोप, ये सब को आप 100 पे करिए। इससे आपका हेडशॉट मारने के चांसेस बढ़ जाता है और इससे आप लोग आसानी से 365 डिग्री में भी एनिमी को बहुत ही आसानी से हेडशॉट मार पाओगे। दोस्तों टिप्स नंबर टू, दोस्तों आपका जो एम है वो आप एनिमी के थोड़ा बॉडी के ऊपर रखना और हेड के थोड़ा पास रखना, इससे आपका हेड मारने का चांसेस बढ़ जाता है। दोस्तों एक बार फायर करने के बाद थोड़ा होल्ड करके दूसरे फायर करना, इससे आपका हेड मारने का चांसेस बढ़ जाएगा। दोस्तों टिप्स नंबर थ्री, दोस्तों आप लोग एनिमी को मारने के टाइम एनिमी के बॉडी के ऊपर ज़्यादा देर तक आपका एम मत रखना, इससे आपका एम बॉडी के ऊपर ही लॉक हो जाता है, हेड के ऊपर नहीं उठता। तो दोस्तों आप लोग एनिमी को मारने के टाइम एक शान से ही मार देना, बॉडी के ऊपर एम ज़्यादा देर तक मत रखना। दोस्तों टिप्स नंबर फोर, दोस्तों आपका जो फायर बटन का साइज़ है वो 50 के थोड़ा आसपास ही रखना। दोस्तों ऑन टैप मारने के टाइम आप लोग फायर बटन को बहुत ही जल्दी ऊपर की तरफ खींच लेना, इससे आपका ऑन टैप लगने का चांस बढ़ जाता है। दोस्तों टिप्स नंबर फाइव, दोस्तों आप लोगों को ऑन टैप मारने के लिए बहुत ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा और आप लोग हर रोज़ ऑन टैप मारने के ट्राई करना। और दोस्तों एक बात, ऑन टैप मारने के टाइम आप लोग ऑल टाइम हाथ को बहुत ही फास्ट तरीके से ऊपर की तरफ खींचना। और दोस्तों वन टैप जो है ना, ये आप लोग एक वीक तक मारोगे, उसके बाद एक दिन नहीं मारोगे तो आप लोग अगले दिन वन टैप ज़्यादा अच्छे से नहीं मार पाओगे। इसलिए दोस्तों हर रोज़ वन टैप प्रैक्टिस करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।